नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत सभी व्रतों में सबसे खास है। इस दिन महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यही नहीं, कुंवारी लड़कियाँ भी मनवांछित वर के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत संपन्न होता है। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। व्रत को लेकर आज से ही महिलाओं ने मेहंदी भी लगवानी शुरू कर दी है। खास बात ये भी है कि करवा चौथ पर इस साल 4 राजयोग सहित करीब आधा दर्जन शुभ योग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इससे पहले करवा चौथ पर इतने शुभ योग पिछले 100 सालों में नहीं बने। 4 नवंबर बुधवार को करवा चौथ यानी सौभाग्य पर्व पर शिव अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। वहीं शंख, गज केसरी, हंस और दीर्घायु नाम के राजयोग भी बन रहे हैं। करवा चौथ पर जब चंद्रमा और पति की पूजा की जाएगी, उस दौरान गोचर कुंडली में बृहस्पति दाम्पत्य जीवन के भाव में अपनी ही राशि के साथ रहेंगे। ये स्थिति सौभाग्य बढ़ाने वाली रहेगी, जिससे ये पर्व और भी शुभ हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बार सौभाग्य पर्व पर बुधवार और चतुर्थी के संयोग में होने वाली गणेश पूजा का फल और बढ़ जाएगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस बार करवा चौथ व्रत मृगशिरा नक्षत्र में किया जा रहा है। इस नक्षत्र का स्वामी मंगल होने से ये व्रत समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। इस दिन सूर्योदय भी चतुर्थी तिथि में होगा और चंद्रोदय भी, जिससे सौभाग्य के साथ समृद्धि भी बढ़ेगी। इस करवा चौथ पर व्रत से पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। शुभ संयोगों में पूजा होने से महिलाओं को रोग और शोक से छुटकारा मिल सकता है। इतने सारे शुभ संयोग होने पे ये पर्व मनोकामनाएं पूरी करने वाला रहेगा। हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना कार्तिक होता है। पुराणों में इस महीने के लिए कहा गया है कि ये सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाने वाला है। इस महीने के चौथे ही दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। माना जाता है कि महाभारत काल से ये व्रत किया जा रहा है। कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने अर्जुन के लिए इस व्रत को किया था। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज़्यादा गहरी रचती है, उसे अपने पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। मेहंदी का व्यवसाय त्योहारों के मौसम में सबसे ज़्यादा फलता फूलता है, खास तौर पर करवा चौथ के दौरान। वहीं बताते चले कि आज करवा चौथ से एक दिन पहले इस समय लगभग सभी बाजारों में भीड़ भाड़ सामान्य दिनों से अधिक दिखी। हर गली नुक्कड़ पर मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं के हाथ पांव पर तरह तरह के डिजाइन बनाते मिले। हमारे यहाँ जो पंजाबी कल्चर में होता है, वो सास होती है जो अपनी बहू के लिए सगी बनाती है। सुबह 4 बजे उठकर नहाकर उसे सगी खाते हैं तैयार होकर फुल। उसके बाद पूरे दिन हम कुछ नहीं खाते, सिर्फ एक ग्लास पानी भी नहीं पीते। 4 बजे कथा होती है, पूजा करते हैं। सारी अपनी बहुएं जो होती हैं, सास के पैर छूती हैं। जो भी लेना देना होता है सास के लिए, नई साड़ियाँ, सूट, जो भी होता है, सारा चीज़ें उनको देते हैं। उसके बाद जब तक चांद नहीं आता, हम उसका वेट करते हैं। फिर चांद आता है, फिर चन्नी लेते हैं। उसके साथ फिर अपने पति को खड़ा करके उसका चेहरा देखते हैं। बस इसका यही है। ये मेहंदी का एक असर होता है जो करवा चौथ पर लगाई जाती है। ये एक सुहागनों के लिए बड़ा शुभ माना जाता है, जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाते हैं। धन्यवाद। तो पूरे शहर में और क्या क्या खुशी की जाती है, क्या क्या और किया जाता है, इवेंट क्या क्या किया जाता है? तैयारियाँ की जाती है, नई ड्रेसेस की जाती है, मेकअप करा जाता है, और खुश होते हैं, बच्चों को गिफ्ट भी देते हैं। उनकी लंबी उम्र के लिए चीज़ करी जाती है, जो भी सारा है स्वास्थ्य से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें करी जाती है। तो आज नवविवाहिताएं या लड़कियां महिलाएं क्या तैयारी कर रही हैं और क्या क्या आज किया जाएगा? मेहंदी लगवाते हैं, सबसे ज़्यादा मेहंदी का ही होता है कि मेहंदी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है करवा चौथ के लिए, इसलिए मेहंदी का सबसे ज़्यादा होता है।
और जो कल हाँ जी कल करवा चौथ है उस मेहंदी के लिए हम यहाँ पे आए हैं मेहंदी लगानी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, टाइम मिल नहीं रही है, तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही है कल के लिए। तो कल क्या क्या होगा? कल जैसे नॉर्मली सुबह उठते हैं, उसके बाद तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद कथा होती है, कथा के बाद फिर हम लोग मिंसते वगैरह हैं, जो सामान मिंसना होता है, शाम को चन्ना मामा को अर्घ दे के खाना खा लेते हैं। क्या नाम है? मेघा। मेघा हाँ जी। आपको पता ही है मार्केट लगी हुई है, महंगी हो गई, कपड़ों की शॉपिंग हो गई, पानी का सामान ये सब चल रहा है। तो कल क्या होगा? कल तो आप पहली बार ये व्रत रखो? तो इसकी कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। तो कल जो है कब तक जो है, शाम को एक रीत भी की जाती है, उसका क्या? हाँ, चांद देखना। हाँ वो तो रीत होगी ही, पहली बार होगी रात में, चांद जब आएगा तो उसके हिसाब से आपको चोट लगा कर देखना चांद को, ये सब फॉलो होगा सारे रिचुअल्स के साथ फैमिली वालों से। क्या नाम आपका? यही खुशी है। अच्छा, क्या क्या करेंगे आप, क्या क्या सोचा हुआ है? बस अभी तो पहले मेहंदी लगा रहे हैं, घर में तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। कल क्या क्या रीत रखी जाए, क्या क्या होगा? कल पहले सुबह उठ के सर्गी करेंगे, फिर सारा दिन फास्ट करेंगे, कुछ खाना पीना है नहीं, शाम को फिर जो होती है थाली बनाने वाली जो प्रथा होती है पूजा करेंगे, फिर रात को चांद का वेट करेंगे, फिर चांद का देख के पति की शक्ल देख के कुछ खा पी लेंगे उनकी लंबी उम्र के लिए है और क्या। तो खुशी है इस बात की। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.